कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। मैंने सोचा यार मैकडॉनल्ड्स में जॉब करूं। बड़े बड़े बिलियनर्स ने, दुनिया के जेफ बेजोस ने मैकडॉनल्ड्स में जॉब करी, बास्किन रॉबिंस में आपके रिचर्ड ब्रांसन ने नौकरी करी, तो मैंने कहा चलो यहाँ टाइम पास तो हो जाएगा। उन्होंने 37 रुपये घंटा में मेरे को जॉब पर रख लिया और मैं वहाँ पे स्वीपर बन गया। जो आप लोग बर्गर फ्राइज छोड़ के खाते ना वो मैं डालता था। मेरे को काम से कोई शर्म नहीं, क्योंकि काम काम होता है रिचर्न। आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप इतने अच्छे पे, आप भी काम ही करो। मैं चाय वाला भी काम कर रहा है, क्यों भी काम कर रहा है, काम काम होता है। डिफरेंशिएशन वो लोग करते हैं जिसको काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कहा मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हैं, 37 रुपये घंटे में मेरी नौकरी लग गई। अब उसका भी किस्सा है, 4 मैकडॉनल्ड्स में मैं गया, मैंने बोला कि मैं एमबीए करने गया था, तो उन्होंने मेरे को नौकरी नहीं दी। उस मैनेजर को ये डर था कि कल को मेरी जॉब, ये इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तो मेरी जॉब हथिया लेगा। तो मैं 5वें मैकडॉनल्ड्स में जाके मैंने बोला मैं 10वीं पास इंसान हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, निर्धन परिवार से, ऑल्दो आई एम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, क्योंकि निर्धन परिवार से मेरे को नौकरी दे। तो उन्होंने बोला चलो स्वीपर का काम, मतलब स्वीपर तो नहीं बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा वेटर का काम बोलूंगा। तो मैंने वो काम किया, चालू किया। अब 4 महीने हो गए, मैं सब सीख गया। मैं स्टूडेंट स्टूडेंट कम, मैं क्यूरियस स्टूडेंट ज्यादा रहा हूँ, किताबों से ज्यादा सवालों में ज्यादा, कि रिचा अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये लाइट कैसे चलती है, कैमरा कैसे चलता है। तो ये क्यूरियोसिटी ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया और मैं बन गया वहाँ पे मैनेजर का पीछे वाला असिस्टेंट मैनेजर। और ड्रिंक लेना, अब आपको पता है आप छोटे छोटे बर्गर लेने आते हो, हम कैसे 450-500 का बिल पकड़ा देते। मैकडॉनल्ड्स ने सिखाया जो चीज़ मैं आज करने की सोच रहा हूँ, 1950 में कर चुके, सोचो कितनी आगे दुनिया। तो वो सीखा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ चालू करूँ, मैं कब तक नौकरी करूँगा। तो मैं इसका बोलता हूँ कि लोगों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी घर की चाय की दुकान। तो मैंने कहा खुद का अपन कुछ चालू करते, तो क्या चालू करें। तो रेस्टोरेंट खोल सकता था मैं, कैफे बना सकता था, बड़ा सा डाइनिंग, मतलब मन क्या नहीं यार ऐसी कोई चीज़ पकड़ूंगा जो पूरे इंडिया को यूनाइट करे। देखो पंजाब का पराठा पूरे इंडिया में नहीं चलता, खाते हैं शौकिया तौर पर, समोसा पूरे इंडिया में नहीं चलता है, वड़ा पाव पूरे इंडिया में नहीं चलता, पर चाय एक ऐसी चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में हर समय हर जगह होती है, अलग अलग स्वाद की हो, भले चलेगा। जैसे हम लोग चाय पे बैठे, कोई अकड़क मीठी पीता है, कोई साधारण पीता है, कोई ऊंची पीता है, मतलब इंडिपेंडेंट होके पर है तो चाय। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में पूरे हमेशा हर जगह होती है, अच्छा हो बुरा हो गलत हो कुछ भी हो, डील हो रही हो, कोई दंगे हो रहे, चाय तो इज ऑलवेज भी देर। तो उनके चाय को पकड़ लो, अपन ने जीवन पकड़ लिया चाय का, इंडिया रन सुन चाय, उनके चाय पकड़ लिया ताकि पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सको। तो मैंने सर क्या करूँ भाई, ठीक है बड़ा स्टोर डालने का सोचा, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, पापा से 15-20 लाख रुपये लेके मैं डाल सकता था। तो मैंने कहा मेरी उम्र तो 28 साल की थी ना उस समय, मैंने क्यों ना भाई अभी से मैं सेठ बनने की कोशिश करूँ। मैं क्यों सेठ बन रहा हूँ, अभी युवा क्या करता है पहले दिन से सेठ बनता है, पापा इन्वेस्ट करा दो, 4 नौकर रख लिए, ऐसा कर वैसा, वो खुद कुछ नहीं सीख रहा है। आप 20-21-25 तक हो ना, आपको सब चीज़ खुद से करते आनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके खुद के धंधे में आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो तो आपको उसका मालिक बनने का हक नहीं। तो मैं खुद करूँगा, और मैंने सोचा क्या करें, तो छोटा चालू करते। तो मैंने सोचा चाय का ठेला। रिचा मैम डेस्टिनी देखो, मैंने जिस समय सोचा कि चाय का ठेला चालू करूँगा उसके समय बर्तन की दुकान थी उस एरिया में, और मैं घुस गया, तपेली ले ली, छछनी ले ली, 2-3 आइटम ले ली, केटल ले ली, मैं ये ले लूँगा, ये घर में पड़े रहेंगे मेरे रूम में, तो मेरे को प्रेशर आएगा कि यार अब सामान लेना, ये बाकी कोई भी चीज़ करना हो ना लाइफ में, जैसे बड़ी इमारत बन गई तो आज की 4 ईंट वहाँ लाके रख देना, अपने आप ख्याल आएगा कि कल रेत लानी, परसों सीमेंट लानी, सरिया लाना, आप समझ रहे हो। लोग सोचते इमारत कैसे बनी, अरे तू इमारत की मत सोच, तू आज की 4 ईंट क्या बात है। तो वो मैंने सोचा, तो मैंने जाकर वो सामान खरीद लिया, अब अपनी कहानी चालू होती है। अब आपको बताऊँ अपन बहुत अच्छे प्रकार से रिचा, मैं आपको बोलूँ कि आप पानीपुरी का ठेला डालोगे, आप नहीं डालोगे, नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो अलग बात, पर डालोगे नहीं डालोगे अलग कहानी। 50 दिन लगे वो सामान को इकट्ठा, तो 5 दिन में कर लिया, और वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पर जाके चाय बनाना पसीने में, चलो 6 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट के लिए बनाना, कोई इवेंट में तो चलो शौकिया तौर पे बच्चे बना लेते हैं आजकल, स्कूलों कॉलेजों में इवेंट्स होती है, पर रेगुलर करना उस जगह पे जहाँ पे मच्छर है, पानी आ रहा है, कोई आके लोग चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हो। पर मेरा ड्रेस कोड हमेशा से ऐसा आता था, बातें अच्छी करता था, तो मेरे चाय का ठेला 50 दिन लगे मेरे को वो साहस पैदा करने में कि अब मैं चाय का ठेला के लिए रेडी हूँ। पहले दिन चाय बनाते कभी घर में भी ना, कभी घर में चाय बनाई ना, कभी घर में झाड़ू लगे, पहले दिन चाय जली, अदरक ज़्यादा, शक्कर ज़्यादा, चाय पत्ती का, वो सब हो गया। बट मैंने जितनी पढ़ाई कैट जीमेट की पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जियोपॉलिटिकल पढ़ा था, दुनिया देखी थी, दुनिया सीखी थी, वो सब मैंने चाय बेचने में लगा दी। तो क्या हुआ, मैंने शुरू दिन से सर्विंग कैसा किया, ट्रे लिया, टिश्यू पेपर, एक रस, एक विजिटिंग कार्ड, फिर कुछ अच्छी कहानी लिखी होती छोटा, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, अटल लगे रहो, ऐसे छोटे छोटे कोट्स, पॉजिटिव कोट्स, तो वो लगा और टोस्ट, और ऐसे करके मैं सर्व कर लगा। तो पहले दिन कोई लोग नहीं आए, ऐसा चाय का ठेला मैंने साइड में चालू किया। अब मेरे पास कोई आएगा थोड़ी, मेरे को 4 सिंह थोड़ी कि मेरे पास लोग आएंगे। अब जैसे आप कार में बैठे हो, तो मैं लोगों के पास गया, आपका कांच बंद, एसी चल रहा है, तो कांच नीचे आया, हे माय नेम इज प्रफुल बिल्लोरे, आई स्टार्टेड माय चाय का बिजनेस टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय, आई मेक ऑसम चाय, दैट्स हाउ स्टार्टेड माय पिच। तो इसमें एक सीखे कि लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ, तो किसी एक को तो आना जाना पड़ेगा, नहीं तो संवाद ही नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो मैं ऐसे करके चलेगा, शुरू दिन मैंने 10 चाय बेची, एक चाय की कीमत थी 30 रुपये, 300 रुपये का धंधा किया। चाय इतनी शिद्दत से बनाई थी और इतनी शिद्दत से मैं सर्व करता था, जितनी शिद्दत से ना आपकी पत्नी ना आपकी माँ ने आपको चाय पिलाई, इतनी इज्जत से लोगों को पसंद आई। तो जिसे मैं आपको बोलूँ कि हे रिचा आई स्टार्टेड माय चाय का बिजनेस, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, तो आप बोले ये चाय वाला कौन है रोड पे, भाई कोई बड़े कैफे से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो तो बोलेगा, बट एक रोड है चाय वाला पानीपुरा अगर अंग्रेजी में आपसे बात करे तो यू वुड बी शॉक टू नो, अरे भाई तुम्हारी कहानी ट्राई करना चाहेंगे। तो वो 10 लोगों ने पूछा ये सब बातें चल रही है, तो वो 10 लोग वापस अगले दिन आ गए। सिंस मेरा 9 से 3 मैकडॉनल्ड्स में जॉब होता था, मैं शाम को 6:30-7 बजे से रात की 12 बजे तक लगाता था, फिर अगले दिन हो गया, तो वो होता गया, फिर फैमिली का प्रेशर आ गया भैया।